लेडीज एंड जेंटलमैन, बॉयज एंड गर्ल्स, देखिए सुनील, मैंने आने के पहले एक बात कही थी, आई थॉट मैं वापस आपके सामने कहूंगा कि आप जितने आप टीवी के हैं, जितने आप फिल्मों के हैं, जितने आप इवेंट्स के हैं, उससे कहीं ज्यादा आप वॉइस इंडस्ट्री के हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो अभी बोल दीजिए। नहीं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और ये आपको तो पता ही होगा क्योंकि आपने बड़े सारे चेक साइन करके दिए मुझे वॉइस के लिए। आपको तो पक्का लगेगा ही लगेगा ये, क्योंकि आपने, आपके लिए, शुगर मीडिया के लिए मैंने बहुत अपॉर्चुनिटीज आपने मुझे दी हैं, जिसमें वॉइस ओवर किया आपके कई प्रोजेक्ट्स के लिए, और थैंक यू सो मच फॉर दैट। अरे हाउ स्वीट सुनील, नीरज जी बात कर रहे थे यहाँ पे, और उससे पहले सुखबीर को अवार्ड मिला, और सुखबीर एक्चुअली वो सुड जो आता था एक रेडियो प्रोग्राम रेडियो मिर्ची पे किया करते थे, तो उन्होंने बड़ा खूबसूरत बना दिया था उस प्रोग्राम को बिकॉज ऑफ हिज साउंड जो उसके अंदर भरते थे और वो उसको तैयार करते थे, तो बड़ा मजा आता था और मेरे को देख के बड़ा अच्छा लग रहा है आपको भी, और मैं बहुत लोगों को तो नहीं देख पा रहा हूँ पर मुझे मालूम है कि बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, सबको बहुत बहुत नमस्ते एंड थैंक यू। आपने मुझे आज ये मौका दिया इंडिया में आने का, बोलने का, और फिर से मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है क्योंकि आप जो कर रहे हो दर्पण, अमेजिंग वर्क है, क्योंकि ये जो चेहरे हैं जो इतना अच्छा काम करते हैं वॉइसेस का और इतना कमाल का टैलेंट है, मैं बहुत सारे आजकल एक्टिंग के काम भी करता रहता हूँ, तो उसमें मैं देखता हूँ कि अब मुझे अहमियत पता चलती है कि वॉइस ओवर आर्टिस्ट एक क्यों वॉइस ओवर आर्टिस्ट होते हैं, क्योंकि उनमें एक खासियत होती है जो शायद बहुत से एक्टर्स में नहीं होती है, वो साफ बोलना, स्ट्रेस देना किसी चीज को एक खास तरीके से बोलना, वो एक एक स्किल्ड जॉब है जो बहुत कम लोगों को के पास ये टैलेंट होता है, और वो वॉइस टैलेंट ही होता है, और आप ऑफ कोर्स बहुत प्रोत्साहन देते हैं शुगर मीडिया, और आप नए टैलेंट को भी मौका देते हैं, और साथ में सारी इंडस्ट्री को आपने किस तरीके से खूबसूरत तरीके से जोड़ के रखा हुआ है दर्पण, इसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई। हाउ स्वीट, थैंक यू सुनील, थैंक यू सुनील। आप सिखाते भी हैं, आप स्कूल भी चलाते हैं जिसमें लोगों को ट्रेन करते हैं ताकि फ्यूचर टैलेंट भी बने, इसके लिए भी बहुत बहुत बधाइयां, और आप हाउ स्वीट, बहुत बहुत मुबारकबाद। आई एम सो ग्रेटफुल टू यू कि आप ये जो फ्लैग बेयरर हैं और इस तरीके से का जो काम कर रहे हैं वॉइस ओवर इंडस्ट्री के लिए और वॉइस ओवर आर्टिस्ट के लिए और ओवरऑल पैकेज जो आप प्रोवाइड करते हैं उसके लिए। थैंक यू सुनील, थैंक यू सो मच सुनील। इस बार तो बड़ा कमाल हो गया, दो कमाल हुए, एक तो सुनील ग्रोवर आ गए हैं इंडिया वॉइस फेस्ट में फाइनली और दूसरी बात ये कि इस बार ये हजारों लोग जुड़े हैं सुनील, इस बार 5,000 लोगों ने इंडिया वॉइस फेस्ट अटेंड करने के लिए रजिस्टर किया है, 5,000 लोगों ने। जब आप अपने वॉइस एक्टिंग के दिनों को याद करते हैं सुनील, जब वॉइस ओवर्स के दिनों को और क्या काम किया है सुनील ग्रोवर, यू नो हैज डन सम ऑफ द मोस्ट अमेजिंग वर्क ओवर द इयर्स एज अ वॉइस आर्टिस्ट। मैं आपकी टीवी की और फिल्मों की बातें इसलिए नहीं कर रहा हूं क्योंकि टीवी और फिल्मों की एक्टिंग की बातें करना लोगों के सामने मतलब सूरज को दिया दिखाने के बराबर है, और क्योंकि हम अभी वॉइस इंडस्ट्री के परिवार में हैं तो आई थिंक काफी जो नए लोग हैं सुनील, जो भी जो नई फसल है, जिनको 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 सुनील ग्रोवर द सुपरस्टार फेस पता है, उनको बताना चाहूंगा कि सुनील ग्रोवर, आई वुड रेट यू एज अ फार फैंटास्टिक बेटर वॉइस देन इवन एन एक्टर, क्योंकि एज अ वॉइस सुनील जो काम किया है आपने, इज एन अवार्ड विनिंग वॉइस, और चाहे सुड हो, चाहे आपने जो रेडियो कमर्शियल्स किए हैं, चाहे जो शोज किए हैं, इट इज एब्सोल्युटली आउट ऑफ दिस वर्ल्ड। आई थिंक लोग आज भी याद करते हैं सुनील। अभी आपको इस पॉइंट पे लग तो नहीं रहा कि मैंने शायद सुनील को पैसे कम दिए उन प्रोजेक्ट्स के लिए जो मैंने आपके लिए किए? मुझे लग रहा है शायद कम दिए थे इसीलिए आप एक्टिंग में चले गए। लेकिन नो, यू हैव बीन अ गुड पे मास्टर, और आपने, और एक्चुअली वॉइस ओवर इंडस्ट्री में मैं किसी को बताता हूँ ना, शुरू शुरू में बड़े सारे टीवी शोज आते थे तो काम यहाँ शुरू हो गया था, तो यहाँ पे पैसे भी कमाते थे, अच्छे खासे पैसे कमाते थे, मजा आता था, लेकिन वो यू नो टीवी वालों को मैं कभी बताता ना कि यार मैं वॉइस ओवर करता हूँ और मैं इतने पैसे कमाता हूँ या इतने पैसे मिल जाते, वो हैरान होते थे, क्या इतने तो हमको भी नहीं मिलते। गजब की बात है, इसका मतलब रिक्वायरमेंट जो है, नीड जो है इस खास तरीके के टैलेंट की, वो बहुत है। और व्हाई आई एम सेइंग दिस आल्सो, जैसे आपने कहा कि कई लोग हैं जो अब इस इंडस्ट्री में आना चाहते हैं, नए नए आ रहे हैं, उनके लिए मैं ये सिर्फ बताना चाहता हूँ कि बहुत स्कोप है आपके लिए यहाँ पे अपना करियर बनाने के लिए, और
जैसा धीरज भी कह रहे थे कि अपने वॉइस के साथ एक्सपेरिमेंट करने के लिए और नई नई चीजें करने के लिए बहुत बहुत मजेदार है। और मैं तो लुक फॉरवर्ड करता हूँ कि मैं यू नो अभी भी कभी कभी मौका होता है, कुछ ऐसा आता है प्रोजेक्ट जिसके अंदर मुझे वॉइस ओवर करने का मौका मिलता है, मैं उसके अंदर तुरंत हाँ बोल देता हूँ, मैं आता हूँ अगर मेरे पास समय होता है, टाइम होता है, बिकॉज आई लव दिस मीडियम। और तुरंत रिजल्ट मिल जाता है, टीवी में वेट करना पड़ता है, फिल्मों में वेट करना इसके अंदर आपने रिकॉर्ड किया, सोचा, और मोस्टली मैंने एडवर्टाइजिंग में जैसा आपने कहा काम किया है, ज्यादातर मेरे जो वॉइस ओवर का हिस्सा है वो एडवर्टाइजिंग में रहा है, रेडियो स्पॉट्स या टीवी कमर्शियल्स, मोस्टली रेडियो स्पॉट्स। तो उसके अंदर एक घंटे में आधे घंटे में म्यूजिक व्यूजिक डाल के तैयार हो जाता था और सुनने में बड़ा मजा आता था, एक तुरंत रिजल्ट मिल जाता। बिल्कुल बिल्कुल सुनील, अगर हम वॉइस ओवर के दिनों की याद करें तो कोई ऐसा खास प्रोजेक्ट है जो आपको याद है, कोई खास आवाज है, क्योंकि यू आर नोन नॉट जस्ट फॉर योर ओन वॉइस, बट अब तो खैर अब तो इतना लंबा सफर तय कर लिया है, अब तो अगर वो कैरेक्टर्स की फेरिस्ट बनाओ तो बहुत लंबी है, पर वॉइस ओवर्स के दिनों में जब ना गुत्थी हुई थी, जब ना रिंकू भाभी हुई थी, जब ना मशहूर गुलाटी हुए थे, और जब ना सुनील ग्रोवर बने थे, तब शुरुआती दिनों में सुनील यू आर अ फैंटास्टिक इंप्रेशनिस्ट, आप बहुत गजब के इंप्रेशन करते थे एक्टर्स के। मैं आप लोगों को बताऊं, क्योंकि आपने शुगर मीडियास की बात की, तो शुरुआती लाफ्टर द ग्रेट इंडियन लाफ्टर चैलेंज के जो रेडियो कैंपेन था, मुझे वो याद है क्योंकि हम ही ने प्रोड्यूस किया था शुगर मीडियास ने, और सुनील और निनाद की जो जोड़ी थी, और जो आपने जो शत्रुघ्न सिन्हा और सिद्धू और फिर इरफान और शाहरुख, तो खैर यू नो कभी कभी लोगों को लगता था कि शाहरुख से बेहतर शाहरुख आप करते हैं, तो यू नो ये जो टाइम था वो टाइम जब याद आता है आपको, do you look back with very fond memories of your time in the studios? Beautiful. और क्या होता है कि उस दौरान एक अजीब सी चाहे अनचाहे प्रैक्टिस हो गई बहुत अच्छी, जो इंप्रेशंस मैं करता था, जो मैंने बाद में थोड़े से टीवी पे भी किए, लेकिन मैं वॉइस ओवर करते हुए मुझे कई लोग बोलते थे कि यार ये वॉइस ओवर में कांच का दरवाजा, जैसे आपके स्टूडियो में हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं तो कांच का दरवाजा लगा हुआ है, उधर से बॉडी लैंग्वेज भी दिख रही है जो कैसे कर रहे, तो मैं हाथ वाथ बहुत हिलाता था, तो मेरे को सब लोग बोलते थे कि यार ये वॉइस ओवर करता नहीं है, वॉइस ओवर दिखाता भी है। बढ़िया, तो बहुत खासियत है सभी वॉइस आर्टिस्ट की, जो भी अच्छा वॉइस आर्टिस्ट है उसकी खासियत है। बिल्कुल, और वॉइस ओवर आर्टिस्ट मुझे समझ नहीं आता कि जब भी जैसे दर्पण आप तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स के जब भी हमने रेडियो स्पॉट्स की तो एंड वॉइस ओवर्स आप करते थे बहुत सारे प्रोडक्ट्स के और कैरेक्टर भी करते थे, लेकिन मैं जब मुझे बुलाते थे तो आप मोस्टली एंड के वॉइस ओवर्स भी करते थे, तो उसके अंदर क्या होता था कि उंगली ऐसे क्यों चली जाती है मुझे आज तक समझ में नहीं, जब उंगली में लगता है ऐसा कुछ सुई पकड़ी हुई है, किसी को चुभोना है या उसका मैं रीजन बताऊं सुनील, आज मैं इसका खुलासा करूंगा, आज सुनील ने बहुत एक सीक्रेट पूछ लिया है वॉइस ओवर आर्टिस्ट का, 10 में से 9 वॉइस ओवर आर्टिस्ट हम जो टिपिकल जो एंड की प्रोमो की लाइन करते हैं या कमर्शियल की एंड की लाइन करते हैं तो हमारे हमेशा हाथ ऐसे ही रहते हैं, उसका कारण है, उसका कारण ये कि सामने तो नहीं है कि खुद ही बोल लो कि वाह बहुत अच्छा कर रहा हूं मैं भाई, बिल्कुल यही कारण है, क्या होता है सुनील के सामने क्लाइंट बैठा है और सामने क्लाइंट और इंजीनियर बैठे हैं जो आपके हर टेक के लिए बोल रहे हैं मजा नहीं आया, तो आप ये करते हैं तो आप उनको विजुअली आपको डिस्ट्रैक्ट करेंगे, देखिए कितना खूबसूरत टेक दिया है मैंने। टेक्निकल कारण क्या है दर्पण, आपने कभी सोचा है इसके बारे में? आई थिंक टेक्निकल कारण यही है कि यू नो जितना आई थिंक बॉडी लैंग्वेज जो होती है हमारी, वो जो बोल रहे हैं वो दर्शाना जरूरी होता है, और एक्टिंग हिस्सा होती है, बट आई एम श्योर यू हैव अ बेटर रीजन सुनील। नो आई हैव अनदर रीजन, आई डोंट नो, हां आई नो दैट, वो एक रीजन ये था कि आप ऐसे पकड़ के जब करते हैं ना ऐसे तो वो वर्ड स्ट्रेसेस जो होते हैं ना आपके हाथ में, तो आप अपने उसको स्ट्रेस डालते हैं, बिल्कुल नया डिटर्जेंट सिर्फ 5 रुपए में, तो 5 रुपए आपको स्ट्रेस देना, तो आप आई थिंक वो बॉडीली जो आपने जैसा कहा उसी बात की एक्सटेंशन है एक्चुअली, बिल्कुल बिल्कुल स्ट्रेसेस आप देते रहते हैं, ये हाइलाइट जैसे टाइप करते हुए बोल्ड करते हैं हम लेटर्स, बिल्कुल बिल्कुल एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, और वही रीजन है, और सब लोग जो देख रहे हैं आप में से जो 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 यहां पे हाई पिच में आप लोग, बिल्कुल बिल्कुल ये टेक्निकल रीजन भी है, और ये जो भी आप लोग देख रहे हैं आप समझ गए होंगे कि कभी भी किसी वॉइस आर्टिस्ट को अगर आप देखेंगे तो उनकी बॉडी लैंग्वेज वो ऐसा लगता है अंदर डांस कर रहे हैं। और मैं शुरू में मुझे वॉइस ओवर जब मैं नया नया आया था तो मैंने तो देखा था थोड़े दो चार सीनियर लोगों को तो वॉइस ओवर करते हुए ऐसे ऐसे कर रहे हैं, तो मेरे को हालांकि वॉइस ओवर मैं गंदा भी करूं तब भी मेरे हाथ मैंने ऐसे चलाने शुरू कर दिए थे, मैं कहा इनको ये तो लग जाएगा ये प्रोफेशनल आदमी है। सुनील काफी सारे सॉरी
बिल्कुल, काफी सारे जो प्रोड्यूसर्स हैं इंडस्ट्री के और वॉइस डायरेक्टर हैं, कुछ कुछ लोगों ने मुझे मैसेज किया था कि सुनील वॉइस इंडस्ट्री और वॉइस ओवर्स के लिए क्या अब अवेलेबल है कि नहीं है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, आज इस मंच पर मैं पूछना चाहूंगा। मैं जीवन भर अवेलेबल हूँ और ये मेरा पहला प्यार है और मैं बड़ा लाइक करता हूँ वॉइस ओवर करना, मुझे प्लीज अपॉर्चुनिटी दे दीजिए। आप अपने आप मत मानिए इस चीज को कि यार कि ये तो टीवी पे नजर आ रहा है, इसके पास तो टाइम नहीं होगा। टाइम की बात नहीं है, बताओ दिक्कत क्या होती है सुनील, जैसे मैंने एक दो लोगों से पूछा था, उन्होंने बोला था टाइम तो है सुनील के पास और उनको मोहब्बत भी है बहुत, मगर क्या है वो जो प्रोड्यूसर थे ना उनके घर बेचकर भी जो पैसा आता है उतना भी काफी नहीं पड़ता है आपकी फीस के लिए, तो उन्होंने कहा हमारे घर इतने बड़े नहीं है कि हम बेच पाए उसको, तो वो दिक्कत है। मेरे साथ किस्सा ये हुआ था, मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ किस्सा क्या हुआ था। तो एक जगह किसी बंदे ने मुझसे पूछा कि आप अपीयरेंस का कितना लोगे कि एक जगह आपको अपीयरेंस करनी हो, तो मेरे मैनेजर जो उनको फोन आया था तो उन्होंने कहा कि हम से 2 लाख रुपए ले लेंगे, ओके ऐसा अपीयरेंस के लिए। तो अच्छा, तो किसी ने पूछा कि वॉइस ओवर का सुनील कितना लेता है, तो अब उसको पता नहीं था, तो वॉइस ओवर गलत, सुनील वॉइस ओवर 15,000 रुपए लेगा, तो कहते ठीक है, तो उन्होंने वहां बुला लिया मुझे 15,000 रुपए में, ये बढ़िया है। तो हमने जब आपसे पूछा आप कितना लेंगे, तो आपने कहा 2 साल लूंगा क्योंकि 2 साल बाद आप आए हो। मुझे बड़े मजे, आप प्लीज अब जल्दी से कोई प्रोजेक्ट करेंगे हम एक साथ। और बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही मेरा, मेरे ख्याल से जैसे ही मेरा आई थिंक 2.5 साल में एक मेरा बंगला बन रहा है और जैसे ही वो बिक जाएगा फिर मैं, जैसे ही उसकी मेरी आ जाएंगे पैसे फिर मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। बिल्कुल ऐसा ना फैलाए, मेरा बड़ा मन करता है वॉइस ओवर करने का। और बंगला कब कब कहाँ रेडी हो रहा है आपका? अच्छा नहीं नहीं, मेरा बहुत मन करता है और मैं ऑफ कोर्स, मैं जैसा कहा कि सबको पैसे भी कमाने को मिलते हैं, वो देख बिल्कुल बिल्कुल, इसके जरिए बहुत बार अपॉर्चुनिटी होती है कुछ ऐसे प्रोजेक्ट जिसके अंदर आपको एक क्रिएटिव सेटिस्फेक्शन मिलती है और मजा आता करके आ रहा है, मैं उससे जुड़ा रहना चाहता हूँ और प्लीज मुझे मौका दीजिए। हाउ लवली। तो जो भी लोग देख रहे हैं हमारी इंडस्ट्री के दिग्गज, आई थिंक वी हैव एन अपॉर्चुनिटी टू गेट सुनील ग्रोवर बैक इनटू द इंडस्ट्री और he's an absolute rare talent। सुनील बहुत लोग लिख रहे हैं, लिखे जा रहे हैं क्योंकि उनको उनको सुननी है चीजें और क्या सुननी है वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है, they want to hear the magic of Sunil Grover's voice acting। तो आप देखिए अब आपको उनका क्या करना है। और ये देखो ये होता है, अगर आप मुझे वॉइस ओवर करने के लिए बुलाते तो आपको पैसे देने पड़ते। आपने क्या तो किया और क्या होगा, जैसे आपने थोड़ी देर पहले किया था कि ले आइए सिर्फ 5 रुपए में, तो मैंने उसको रिकॉर्ड करवा लिया, इंजीनियर को मैंने बोल के रखा है कि और जैसे अभी जैसे आप कोई आवाज करोगे तो मैं चुप रहूंगा, तो उसको मैं रिकॉर्ड कर लूंगा और फिर उसको कल मैं भेज दूंगा, तो इस तरह से तो बंगला बनेगा। आज बहुत बहुत अच्छा सौभाग्य है कि मैं नहीं, सुनील वी आर सो डिलाइटेड, क्योंकि पता है बहुत स्पेशल इसलिए है सुनील क्योंकि 3 साल पहले इस मंच की शुरुआत हुई थी और बड़ी मुश्किलों से, सुनील आप तो खुद इस इंडस्ट्री का हिस्सा रह चुके हैं, आपको पता है कि यू नो आप खुद जानते हो कि जब आप एक्टिंग में इतना बड़ा नाम हो, आपको पता है कि आज भी वॉइस ओवर या डबिंग का इतना चेहरा नहीं है, यू नो क्यों ऐसा होता है कि आज भी जब एक आदमी आता है वो कहता है यार मैं एक्टर हूँ ये तो मैं कर रहा हूँ, तो मुझे उस चीज से बड़ी चिढ़ है, मुझे लगता है मैं तो वॉइस ओवर आर्टिस्ट हूँ और मरते दम तक वॉइस ओवर आर्टिस्ट ही रहूंगा, एंड आई टेक प्राइड इन दैट। तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में इस तरह के मंच होने चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों को बाहर पता चले कि ये अपने आप में एक पुख्ता इंडस्ट्री है। सो इंडस्ट्री और कितने लोग जुड़े हैं, और मैंने कहा कि इसके लिए जो खास टैलेंट है वो बहुत सारे एक्टर्स को, अगर आप मैं बोलने से इस तरह का वॉइस ओवर का परफॉर्मेंस देना तो दे ही नहीं पाएंगे, बहुत से लोग ऐसे हैं क्योंकि मीडियम एक खास टैलेंट है, इसके लिए एक खास टैलेंट की जरूरत होती है जो कि आपसे बेहतर कौन जानता है, आप इतना टैलेंट को मौका देते हैं। नहीं नहीं सुनील, बहुत बहुत, और ये बहुत अच्छा लगा, यू नो थैंक यू सो मच, मैं आई डोंट नो हाउ टू थैंक यू, मुझे अच्छा ज्यादा लगेगा कि अगली बार या आने वाले सालों में आप फिर से आएं और जब जब हम किसी ऑडिटोरियम में रखें
क्योंकि लोगों को यू नो आपको इन पर्सन देखने का एक अलग ही मजा होता है और मेरे को भी लोगों को सामने देखने का मजा अलग होगा, हालांकि मुझे आपको भी देख के बड़ा मजा आ रहा है, लेकिन अगर सारे लोग होंगे बिल्कुल आई एम लुकिंग फॉरवर्ड, ईश्वर करे कि हम अगले साल किसी ऑडिटोरियम में बिल्कुल सुनील एंड सुनील थैंक यू सो मच सुनील सुनील उसको सेलिब्रेट करें एक साथ मिलके और उन सब लोगों को रिकॉग्नाइज करें जो अच्छा काम कर रहे हैं और जो अच्छा काम करना चाहते हैं। बिल्कुल, और आज इतने हजारों लोगों ने देखा है सुनील के यू हैव बीन सो सो लविंग टुवर्ड्स दिस क्राफ्ट, तो आई एम श्योर ये सब लोग इस मेमोरी को साथ में रखेंगे कि सुनील ग्रोवर एक एक वॉइस एक्टर भी हैं और ही एंड ही टेक्स प्राइड इन बीइंग अ वॉइस एक्टर। आई थिंक आपका सबसे बड़ा गिव अवे जो है ना आज हमारे इंटरेक्शन का वो ये है सुनील। थैंक यू और वॉइस जो भी इस इंडस्ट्री ने इतना कुछ दिया है उसकी वजह से ही मैं थोड़ा बहुत नाम है और लोगों का प्यार भी है और मैं हमेशा इस इंडस्ट्री का हिस्सा हूँ। प्लीज आप ऐसे ना करें कि मुझे ना बुलाएं प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ना करें, आप लोग मकान बेचिएगा मत, इसको आप वो गिरवी रख लीजिएगा ताकि आप बाद में इसको वापस छुड़वा सकें, मगर आप सुनील थैंक यू सो मच, इतना मजा आया, ऐसा लगा पुराने दिनों की याद आ गई जब हम लोग स्टूडियो में या शुगर मीडिया के स्टूडियो में बैठ के बातें करते थे। और यू नो दिस इज इट्स सो वंडरफुल सुनील, इतनी इतनी सक्सेस, इतनी ख्याति, यू नो यू आर सच अ बिग ब्रांड सुनील टुडे एंड यू आर स्टिल सो हंबल सो डाउन टू अर्थ। थैंक यू सुनील, थैंक यू फॉर डूइंग दिस। आई नो आपके पास वक्त थोड़ा कम है बट यू गेव अस अ लॉट ऑफ टाइम सुनील, थैंक यू सो मच एंड होप टू सी यू समटाइम सून, बाय बाय। बहुत जल्दी मिलते हैं, बिल्कुल बाय सुनील, बाय बाय बाय, आ जाओ इंडिया वॉइस टेस्ट। आय शाबाश।